الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نجدي الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحق مع علي ومع الحق. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ये मजलिस हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत से मुनअक़िद करदा मजलिस है और हमारे हालात भी ऐसे नहीं हैं कि हम पहले की तरह खुल कर जैसे पहले मजालिसों जुलूस बर्पा किया करते थे, आज़ादारी को कायम किया करते थे, वैसे नहीं कर सकते। लेकिन क्या बताएं, जरूरी है कि जब भी ये अय्याम आते हैं तो दिल तड़प जाते हैं, चाहे जिस हालत में रहे, जहां भी रहे, जैसे भी रहे, हम अपने मौला को फरामोश नहीं कर पाते। और ये खून की मजबूरी है कि आज दुनिया भर में ऑनलाइन के जरिए से मजलिसें बरपा हो रही हैं और हम आज इस हालात में, इस माहौल में ऑनलाइन मजलिसें बरपा करके ये बताते हैं कि हम हुकूमत के भी वफादार, अहले बैत के भी आज़ादार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हम ऑनलाइन मजलिसें कर रहे हैं और ये हमारे इनसे बड़ा शरीयत में कोई आलिम दीन नहीं गुजरा, इनसे बड़ा कोई आलिम दीन है ही नहीं। उनका हवाला दिया हूं, दोनों आलिम दीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि एक मर्तबा कूफे में बाढ़ आई, फुरात में बाढ़ आई। जब फुरात में बाढ़ आई तो फुरात का पानी कूफे तक आ गया। जैसे ही कूफे तक पानी आया, अब कूफे वाले परेशान हो गए, हैरान हो गए, ये क्या हो गया, बाढ़ आ गई, अब हम जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लोग परेशान। एक मर्तबा तमाम असहाब दौड़े दौड़े इमाम के पास जाते हैं, मौलाए
मौला मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, मौला खुतबा दे रहे थे, आते हैं, आने के बाद एक मर्तबा तमाम असहाब कहते हैं मौला फुरात में बाढ़ आ गई है, फुरात का पानी कूफे तक आ गया है, मौला अन करीब कूफा डूबने वाला है, मौला हम गर्क होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, मौला हमें यकीन है अगर आप पानी से कहते के रुक जा तो फिर पानी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आगे बढ़ जाए। और कीजिएगा बिंदिया, सिर्फ आपको निकालना है, मैं सिर्फ उस मोड़ पे लाके छोड़ूंगा कि सिर्फ हम ही क्यों मोहब्बत उनसे करते हैं और सब क्यों नहीं। क्या कहा असहाब ने, मौला फुरात में बाढ़ आ गई है, फुरात का पानी कूफे तक आ गया है, अनकरीब कूफा डूबने वाला है, रुक जा तो वो वहीं रुक जाएगा, फिर उसमें इतनी जुरात नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि फुरात का पानी आगे बढ़ जाए। बस ये सुनना था कि अली ने रसूल के अमामे को अपने सर पे रखा, रसूल की कबा अपने तन पे ली, रसूल की रिदा अपने दोष पे ली, रसूल का असा अपने हाथ में लिया, लेकर फुरात की तरफ रवाना हुए, पानी के करीब आए। जैसे ही मौला पानी के करीब आए, आने के बाद एक मर्तबा पानी से मुखातब हुए, पानी से मुखातब होके कहा अरे पानी रुक जा। बच्चों रहो, क्या कहा मौला ने, सिर्फ ये कहा पानी रुक जा। अब तमाम साहब फरमाते हैं कि जैसे ही मौला के दहने मुबारक से ये जुमले निकले कि अरे पानी रुक जा, पानी वहीं ठहर गया, वहीं रुक गया, वहीं साकित हो गया, फुरात की मौजें ऐसे थम सी गई, जैसे महसूस ये हो रहा था कि पानी के जिस्म से जान निकल गई, पानी के जिस्म से जान निकल गई। ये देखकर एक मर्तबा तमाम असहाब मौला से कहते हैं मौला अब हमें यकीन है कि फुरात का पानी एक इंच भी हमें यकीन है मौला, लेकिन मौला हम ये चाहते हैं कि अगर आप कह दे फुरात के पानी से कम हो जा और कम हो जा, हम ये चाहते हैं। एक मर्तबा मौला फिर पानी की तरफ मुखातब हुए, कहा ए पानी और कम हो जा, और कम हो जा। बस जैसे ही मौला ने ये जुमले कहे ना, एक मर्तबा तमाम असहाब कहते हैं कि हमने देखा कि मौला के दहन मुबारक से निकला कि पानी और कम हो जा, और कम हो जा। पानी इतना कम हो गया कि फुरात में रहने वाली मछलियां नजर आने लगी। अल्लाहु अकबर, फुरात में रहने वाली मछलियां नजर आने लगी। मछलियां इतनी थी कि जो ला तादाद थी, बेशुमार थी, बहुत ही ज्यादा मछलियां थी। फिर असहाब कहते हैं कि हमने देखा कि उन्हीं ला तादाद मछलियों में से, उन्हीं बेशुमार मछलियों में से, उन्हीं बेहिसाब मछलियों में से चंद मछलियों ने जैसे ही मछलियों ने सलाम किया, मौला ने मछलियों के सलाम का जवाब दिया। लेकिन ये मंजर देख के असहाब महवे हैरत परेशान, मौला मछलियां तो लातादाद हैं, बेहिसाब हैं, बेशुमार हैं, इतनी मछलियां हैं कि जो गिनी भी नहीं जा सकती, तो फिर ये सलाम करने वाली चंद मछलियां ही क्यों है? ये सारी मछलियां सलाम क्यों नहीं कर रही मौला आपको? ये सलाम सिर्फ चंद मछलियां ही क्यों कर रही है? अब नतीजा आप निकालिएगा। मौला से जैसे ही असहाब ने ये कहा ना कि मौला ये सलाम करने वाली
सारी मछलियां क्यों नहीं सलाम करती? मौला ने कहा, अरे तुम इतने हैरत ज़दा क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? अरे जो हलाल मछली है वो सलाम कर रही है, जो हराम मछली है वो बैठ। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो हलाल मछलियां हैं वो सलाम कर रही है, जो हराम मछलियां हैं वो अपनी अपनी जगह पे बैठी हुई है, वो सलाम कर ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही इस कायनात में इंसान नुमा तो बहुत है, मगर दरे अली पे हर कोई सजदा कर ही नहीं सकता। कायनात में इंसान नुमा बहुत है, कोई अली पे आ ही नहीं सकता, उनसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। और जीजो बार लंबी चौड़ी गुफ्तगु नहीं करनी है, बस एक और बात सुन लीजिए और खत्म कर दूंगा। जितने भी इख्तलाफात हमारे दरमियान रूनुमा होते हैं, उन सब की सबसे बड़ी वजह यह है, सबब यह है कि लोग आले मोहम्मद पर अपना कयास करने लगते हैं और ये समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही आले मोहम्मद, वैसे ही अली है, जैसे हम वैसे ही अली। दलील क्या देते हैं कि हम भी अपनी आंखों से देखते हैं, वो भी अपनी आंखों से देखते हैं, हम भी अपने कानों से सुनते हैं, वो भी अपने कानों से सुनते हैं, हम भी अपनी जबान के जरिए गुफ्तगू करते हैं, वो भी अपनी जबान के जरिए गुफ्तगू करते हैं, हम भी इंसान वो भी इंसान। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए, कौन बताए कि भैया ये हकीकत है कि अल्लाह ने हमें भी इंसान कहा, उन्हें भी इंसान कहा, लेकिन हमारे इंसान होने और मौला अली के इंसान होने में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे इंसान होने और मौला अली के इंसान होने में जमीन आसमान का फर्क है। वो फर्क क्या है? फर्क बस यूं समझ लीजिए कि हम अली जैसे इंसान का तज़किरा सूरह रहमान, हमारे जैसे इंसान का तज़किरा अल्लाह ने सूरह इंसान में किया, अली जैसे इंसान का तज़किरा सूरह रहमान में किया। हमें भी इंसान कहा, उन्हें भी इंसान कहा, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है, फर्क बहुत ज्यादा है। फर्क यूं समझ लीजिए कि हम जैसे इंसान को, हम जैसे इंसान को हैवाने नातिक कहा गया, अली जैसे इंसान को कुराने नातिक कहा गया। यह है फर्क, यह है फर्क हमारे इंसान होने में और मौला अली के इंसान होने में। हमें हैवाने नातिक कहा गया, मौला अली को कुराने नातिक कहा गया। अच्छा, हैवाने नातिक मतलब क्या है? इसे बोलने वाला जानवर, यानी अगर जानवर गुफ्तगु करने लगे, बोलने लगे, बातचीत करने लगे तो वो हम जैसा हो जाए। बिल्कुल मुतवज्जे रहिएगा और कीजिएगा। हैवान अगर गुफ्तगू करने लगे जैसा हो जाए, क्यों? इसलिए कि हम हैं हैवाने नाती। तवज्जो रहे, हैवान अगर गुफ्तगू करने लगे तो वो हमारे जैसा हो जाए, इसलिए कि हम हैं हैवाने नाती। अब नतीजा के हवाले, हैवान अगर गुफ्तगू करने लगे तो वो हमारे जैसा हो जाए,
सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है हमारे इंसान होने और मौला अली के इंसान होने का फर्क। इनके लिए खुद रसूल अकरम ने फरमाया अल हक मा अली वल अली मा अल हक। परवर क्या कह रहे हैं, क्या कहा? अल हक मा अली, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। ये तो हदीस हो गई, लेकिन इसके बाद नबी ने दस्ते दुआ बुलंद की है, अल्लाहुम्मा इदरिल हक हैसो मादारा अली। परवरदिगारा हक को उधर उधर मोड़ना, जिधर जिधर अली मुड़े, जिधर जिधर अली मुड़े, जिधर जिधर अली मुड़े। खुदा की कसम एक मर्तबा भी नहीं कहा रसूल ने कि परवरदिगारा अली को उधर उधर मोड़ना, जिधर जिधर हक मुड़े। क्यों? इसलिए कि दुनिया लिख देती, मौर्ख लिख देता कि हक कहीं और था, अली कहीं और। कसम सारी इस हदीस को दोहराना और फिर खुदा का शुक्र अदा करना कि परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा अजीम एहसान है कि तूने हमारे हाथ में ऐसे का दामन दिया है जिसके पीछे हक चलता है। जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि हमारे हाथ में अली जैसे इमाम का दामन है, अली के पीछे। तो जब हम अली के पीछे हैं तो फिर क्या हुए? अरे यही तो रसूल ने कहा है, परवरदिगारा हक को उधर उधर मोड़ना, जिधर जिधर अली मुड़े। पता ये चला जो अली के पीछे होता है वो हक होता है, और जो सामने से आए वो बातिल होता है। अब अगर वो कोई भी हो, अब ये मेरी जिम्मेदारी पर जो जुमला था मैंने कह दिया, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि समझ ले जाए जुमले को कि अली अगर मैदान में है तो हक कहां होगा? अली के पीछे। अली अगर घर में है तो हक, अली अगर मिंबर पे है तो हक, अली अगर मस्जिद में है तो हक, अली अगर मैदान में है तो हक। कहां है? अली के पीछे। पता ये चला कि हक जो होता है वो हमेशा अली के पीछे ही हुआ करता है। जो सामने आ जाए मुकाबले के लिए या जिस तरीके से भी, वो बातिल होता, वो हक नहीं होता। अगर हक पर रहना तो अली के पीछे रहो, अली की इत्तेबा में रहो, अली के दामन को थामे रखो, तभी हक हो। नमाज हक, रोजा हक, हज्जो ज़कात हक, सब कुछ हक। और ये जितने भी हक हैं सब अली के पीछे, अली के पीछे। और अजीजों, अली ने अली के सरे अकदस पर हालत नमाज में सजदे के आलम में जरबत लगी है ना, इसमें भी बहुत बड़ा राज है। अगर समझना चाहे तो बस यूं समझ लीजिए कि लोग इस तरह से अली की मुखालफत किया करते थे, प्रोपोगंडा किया करते थे कि अली नमाज नहीं पढ़ते, अली नमाज नहीं पढ़ते। इस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा था, बहकाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही मौला के सरे अकदस पर नमाज में
इब्ने मुल्जिम ने जरबत लगाई और ये मस्जिद कूफा से कूफे में फैली। तो अब लोगों तक जब ये आवाज पहुंची तो लोग हैरत से पूछते थे, अली को जरबत लगी, अली अतल हो गए, कहां? मस्जिद में। कैसे? हालत नमाज में। अब लोग हैरत ज़दा होते थे, में क्या कर रहे थे अली? क्या नमाज भी पढ़ते थे? क्या अली नमाज भी पढ़ते थे? ऐसे ऐसे लोगों को बहकाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि क्या अली नमाज भी पढ़ते थे? अली नमाज भी पढ़ते थे? मौला ने उसी वक्त ये फैसला कर लिया होगा, तुमने कहा है कि अली नमाज नहीं पढ़ता, मैं भी ऐसी दलील दे के जाऊंगा कि पूरी दुनिया ये कहेगी कि अली ने नमाज की हालत में अपने सर पर जरबत खाई, नमाज को बाकी रखा। मौला के सर पर जरबत लगी, लेकिन जैसे ही हसन आए ना, हसनैन आए, तो मौला ने यही कहा, बेटा हसन पहले नमाज तमाम करो, नमाज तमाम करो। ज्यादा तफसीलात में नहीं जाता, वजाहत भी नहीं कर सकता, हो सकता है कि कुछ बातें वाजे भी ना हो पाई हो कम वक्त के तहत, और अपनी कम इल्मी की मैं खुद इकरार करता हूं, इसलिए बात वाजे ना हुई हो। आज 21वें माह रमजान की शब आ गई है, 20वें खत्म हो गया है। यह याम सिर्फ रोने के है, मातम करने के है, गिरिया करने के है। अजादारों, सोगवारा ने जनाबे अमीर जहां जहां भी हो वहीं से मौला को कुर्सा दे देना, जानते हैं क्या सन 40 हिजरी आज ही के दिन मौला अली के घर का क्या आलम है? बताऊं अजादारों, अगर सुनना चाहे कलेजा फट ना जाए तो बताऊं अजादारों, अरे ये वही दिन है कि मौला पूरे दिन गश के आलम में रहे। आज मौला पूरे दिन खशी के आलम में रहे। जोर से थोड़ा पहले इमाम हसन जर्राह को तलब करते हैं, जर्राह आता है, आने के बाद एक मर्तबा जर्राह इमाम सर को देखता है और जिस्म को देखता है, क्या देखता है कि जहर मौला के पाए अकदस तक आ चुका। रखूम अल्लाह आज, रखूम अल्लाह, रोने में आज कमी ना कीजिए, ये ज़ैनब की यतीमी के दिन है, हुसैन के यतीमी के दिन। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, जर्रा आता है, आने के बाद देखता है, देखने के बाद एक मर्तबा तड़प के कहता है, कैसे पढ़ू अजादारों, कलेजा फटा जा रहा है, ज़बान पे छाले पड़। जर्रा मौला के जख्मे सर को देखता है, जिस्म को देखता है, देखने के बाद तड़प के कहता है, अरे अली को बड़ा जबरदस्त जहर
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कैसा शहर का ज़ादारों तसव्वुर कीजिए, कैसा शहर का बताओ ज़ादारों, अगर सुन सके बताओ। जर्राह कहता है कि अगर ये तो पूरे कूबे के लोग। अल्लाहु अकबर, इतना कारी जहर मौला को दिया गया, लेकिन अजादारों सिर्फ जहर ही तो नहीं दिया गया था मौला को। अगर सिर्फ जहर नहीं दिए बल्कि जहर ही सिर्फ नहीं था, मौला के बद भी लगी थी, तलवार भी लगी थी, मौला का सर शिगाप हो गया था, मौला की रीशे मुबारक खून से लाल हो गई थी, मेहराब इबादत खून से रंगीन हो गई थी, जरबत भी लगी, तलवार का जख्म का असर, जहर का भी असर, तलवार के जख्म का भी असर मौला पर हुआ। आज का पूरा दिन मौला गशी के आलम में रहे, गशी के आलम में रहे। बस आखिरी जुमला सुनिए अज़ादारों, जहां है वहीं से मौला को पुरसा दे दीजिएगा। जर्रा एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहता है, मौला मैं आपसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूँ। इमाम हसन जर्रा के बाजू को पकड़कर गोशाए तन्हाई में लेके जाते हैं। जैसे ही लग रहा है खुदा हम से हो गया है खफा, जिसे बुलाया सदा उसके